दोस्तों जानवर प्रकृति का एक अनमोल हिस्सा है जो इंसानों से पहले ही धरती पर आ चुके थे। उसमें से कुछ बहुत ही विशालकाय और खतरनाक भी थे। तो आपने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जानवर देखा होगा, लेकिन जिन जानवरों के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं उनको देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, द शॉकिंग वर्ल्ड हिंदी में आपका स्वागत है। पाम थीव, इसे कोकोनट क्रैब भी कहा जाता है। ये डायनासोर की जितना विशालकाय तो नहीं, लेकिन इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। इसके पंजे इंसानों की हड्डियां तक तोड़ सकते हैं, इसलिए इसे दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि आपकी उंगली और पूरी बाजू तक को भी अपना शिकार बना सकता है। और ये खासकर कोकोनट के पेड़ों के पास ही पाया जाता है। थ्री हेडेड फ्रॉग, इस मेंढक को पहली बार यूके में देखा गया था। इस तरह का आज तक एक ही मेंढक पाया गया है। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसे जानवर पानी में गंदगी और पॉल्यूशन की वजह से जन्म ले रहे हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एलिगेटर गार, ये मगरमच्छ के जैसे दिखने वाली मछलियां हैं। ये दिखने में जितनी खतरनाक लगती हैं, असलियत में भी उतनी ही खतरनाक हैं। इसे अर्थ की सबसे पुरानी मछली भी कहा जाता है। ये मछली समुद्री तट के काफी नीचे रहती है। ये मछली सिर्फ समुद्र की मछलियों के लिए खतरा नहीं, बल्कि वहाँ के मगरमच्छों के लिए भी काफी बड़ा खतरा है। इसके आरी से भी नुकीले और पैने दांत होते हैं। इस मछली के इतने खतरनाक होने के बावजूद इसने आज तक किसी भी इंसान पर हमला नहीं करा है। लेकिन ये मछली इंसानों पर हमला क्यों नहीं करती, इसकी वजह आज तक कोई नहीं बता पाया। इमॉर्टल जेलीफिश, शुरू से ही इंसान अमर होना चाहता है। कोई साइंटिस्ट और जादूगर इसी खोज में लगे हैं कि वो कुछ ऐसा ढूंढ ले जिससे कि वो इंसान को अमर कर सकें, जिससे वो कभी बूढ़ा ना हो। लेकिन ये जेलीफिश नेचुरली इमॉर्टल होती हैं। बुढ़ापे के पास पहुंचते इनमें ऐसी ताकत उत्पन्न हो जाती है जिससे कि ये अपने आप को जवानी में दोबारा वापस ला सकती हैं। लेकिन ये अपनी इस ताकत को इस्तेमाल करने से पहले ही दूसरे जानवरों या इंसानों का शिकार हो जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपने फायदे के लिए इंसानों का दूसरे जानवरों का शिकार करना सही है या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। आर्चर फिश, पानी वाली बंदूक बच्चों के लिए सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन ये वाटर वर्ल्ड में एक काफी अच्छे हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। आर्चर फिश में कुछ ऐसा नेचुरली ही है, वो अपना शिकार इसी खूबी के दम पर करती है। ये पानी की सरफेस पे किसी कीड़े मकोड़े का इंतजार करती है, और जैसे ही इसे सरफेस पे कुछ नजर आता है तभी ये पानी फेंक कर उसे पस्त कर देती है। तो ये थे दोस्तों कुछ 5 अनयूजुअल एनिमल्स। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी अपलोड आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।